सत श्री अकाल दोस्तों, मैं डॉक्टर गोपी सिंह, मेडिकल स्पैशलिस्ट बाबा नर्सिंग होम बसिपठाणा तो अच्छ फिर तेरे नाल रूबरू हो रहा। जिस तरह के आप सीरीज़ रखी हुई है नॉर्मल टॉपिक्स के जोड़े रूटीन टॉपिक्स होंगे, अज आप जिस तरह के टॉपिक हैपेटाइटिस सी बारे डिस्कस करा। एक बड़ा शॉर्ट जहा ब्रीफ जहा टॉपिक होएगा कि असी इस टॉपिक नूं क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अजकल जिस तरह टाइम नाल नवी नवी डिजीज़ आउंदियां ने, हुण ये देखण च आया कि कुछ सालों तो हैपेटाइटिस सी एक बड़ी खतरनाक बीमारी है जिहड़ी कि सिमटमलैस तरीके नाल आउंदी है। मतलब ये बहुते सिमटम नहीं होंदे, पेशेंट बहुत ही कंप्लेन लेके नहीं आता, बट एक फिजिशियन नूं डॉक्टर नूं डायग्नोस करना पैंदा है। यदि सवेरिटी देख के यदि खतरनाक डिजीज़ नूं देखते हुए ईवन अवेयरनैस बहुत हो चुकी है। ईवन गवर्नमेंट भी स्पैशल अवेयरनैस ये बारे डिस्कस करती है, पैम्फलेट्स होंगे ने, कैंप्स लगते हैं, ईवन के दवाइयां भी फ्री दे रहे अजकल हैपेटाइटिस सी दियां। यदि अवेयरनैस इस करके जरूरी है कि जदों ये अपनी एक लास्ट स्टेज पर पहुँच जाता है, सिरोसिस वाली स्टेज पर या एक कैंसर वाली स्टेज पर जिन्हों HCC हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कहने, उस स्टेज पर यदा ट्रीटमेंट करना बहुत औखा होंगे। ये एक तरह का साइलेंट किलर है जिदा कि सबसे जल्दी जल्दी पता नहीं लगता। तो हुण आपां कुछ इस बारे डिस्कस करांगे। हैपेटाइटिस सी जिहड़ा हुंदा एक वायरस नाल कॉज हुंदा जिन्हों HCV वायरस कहने। अपने को कई तरह के वायरस है जिवें हैपेटाइटिस A, B, C, D, E। इहदे विच हैपेटाइटिस B, C, D थोड़े ज़्यादा खतरनाक ने, ए ते ई सिंपल ने, जिहड़े कि कंद बारों कंद बना खा के या गलत पानी पी के उहदे हुंदे ने। हैपेटाइटिस सी जिहड़ा इन्फेक्शन है ये ब्लड तो हुंदी है, किसी इन्फेक्टिड बंदे का ब्लड जिहनूं हैपेटाइटिस सी हैगा वह उस पेशेंट नूं आ जाए। ये ट्रांसमिशन थ्रू ब्लड प्रोडक्ट्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या कोई इंजैक्शन यूज़ किए हो, क्योंकि जो आप देखिए कि अजकल जो यंग बच्चे ने नशे वाल बहुत भजते हैं, जो वो नीडल्स यूज़ करते हैं, सरिंजेस यूज़ करते हैं, उही कोई होर यूज़ कर लेंदा अनसरलाइज, तो उस एक पेशेंट तो दूसरे पेशेंट हो जाता है। इस करके IV ड्रग अब्यूस बहुत ज़्यादा प्रेविलेंट है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। दूसरा, हैपेटाइटिस सी जिहड़ा है जो ये अंदर एंटर करता वायरस, तो बहुत समय तक यह साइलेंट ही पिया रहा, पेशेंट को सिमटम नहीं आते। कुछ महीनों बाद जाके पेशेंट को यह सिमटम्स डिवेलप होने शुरू हो जाते हैं। सिमटम्स में की आता है, सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट थकावट बहुत महसूस करता है, रेस्टलैस रहिंदा है, पेशेंट को भूख लगनी बंद हो जाती है, लत्तां दुखनी शुरू हो जाती है, किसी ना किसी साइड तो ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, कई बार दंदा चो टॉयलेट रस्ते यूरन रस्ते, तो अपने आप ही ऑटोमैटिक स्किन के उपर दाग पैने शुरू हो जाते हैं, रेड कलर के नील पैने शुरू हो जाते हैं विदाउट एनी कॉज, बिना किसी कारण तो। सो कई बार पेशेंट आता भी डॉक्टर मेरे अपने आप ही लाल रंग धब्बे पै जाते हैं, तो फिर जो हिस्ट्री लेने तो कई बार सूँ पता लगता कि पेशेंट ने कोई ब्लड लगवाया या कोई IV ड्रग अब्यूजर है, फिर टेस्ट कराने तो पता लगता कि पेशेंट हैपेटाइटिस सी तो सफ़र कर रहे हैं। कुछ होर सिमटम जिवें जो पीलिया हो जाता है, डार्क यूरन आता है, ठीक है, उस केस खारिश होनी बहुत शुरू हो जाती है स्किन के उपर, तो सानू जो टेस्ट कराने फिर सानू ये हैपेटाइटिस सी का पता लगता है। सो हैपेटाइटिस सी एक साइलेंट किलर है जिहड़ा कि जल्दी डायग्नोस होना करना बहुत जरूरी है। होर सिमटम कई बार पेशेंट को पेन होनी शुरू हो जाती है पेट में, लैफ्ट साइड पर या राइट साइड पर या राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के नीचे पेट के नीचे पेशेंट कहता मेरे पेट भरया भर रहा, ब्लोटिंग सेंसेशन, परापन पेट में रहा है, उस केस सानू डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। तो सानू इस टेस्ट कराने बहुत जरूरी ने, हैपेटाइटिस B, C दे, कई बार सानू HIV कराना पैंदा तां कि ये पेशेंट कितने हैपेटाइटिस सी तो सफर तो नहीं कर रहा। फिर जो आप डायग्नोस कर लें फिर कुछ होर टेस्ट फरदर टेस्ट कराने जिहड़े कि जीनोटाइप वगैरह होंगे ने, जिहड़े कि टेस्ट बाहर असी भेजीदा, फिर उस तो बाद असी डिसाइड करीदा कि इस पेशेंट नूं कि थेरेपी की लोड़ है।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਵੀਕਲੀ ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਟੇਬਲੇਟ ਸੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 3 ਮੰਥਸ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਲਵਾਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਸਿਰਿੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਡਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਇਲਡ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਨਵੀਂ ਸਿਰਿੰਜ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਓ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਜਸ ਟੇਬਲੇਟਸ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਟੇਬਲੇਟਸ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਬਲੇਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਟੇਬਲੇਟਸ ਦਾ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਕੋਂਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੋਨਿਕ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ, ਫਿਰ ਸਿਰੋਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰੂਪ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ HCC ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਟੋਸੈਲੂ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਨਾ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਮਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਸਿਮਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਰਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਨੇ ਅਰਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡ੍ਰੈਡਿਡ ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਕੋਂਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੋਪਿਕ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।